सर आप अधिवक्ता भी हैं और राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जो ये पूरे देश के अंदर इस तरीके का वातावरण चल रहा है, तो इससे क्या साबित होता है? नहीं देखिए, साबित बहुत साफ है कि सरकारें जो भी हैं, चाहे केंद्र की सरकारें हैं चाहे राज्य की सरकारें हैं, सारी सरकारें दलित और बहुजन विरोधी हैं, मुस्लिम विरोधी हैं, और निकम्मी सरकारें हैं, बेरहम और बेशरम सरकारें हैं। लोग मर रहे हैं लेकिन कहीं भी सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया नहीं जा रहा। अभी जैसे आप बता रहे हैं और हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने भी आए हैं, इलाहाबाद में दलित सरोज दिलीप सरोज की जिसकी हत्या हुई है, एक व्यक्ति की सरेआम हत्या होती है और इतनी बुरी तरह से मारा जाता है, और वो सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है आपने भी देखी होंगी कि वो पड़ा है नीचे और वो मर गया, उसके बावजूद भी लाठियों से, डंडों से, ईंट से, पत्थरों से मारा जा रहा है उसको। तो ये जो सरकार, योगी सरकार कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर जो हमारे यहाँ पे सही है, कानून व्यवस्था सही है, और जिसके लिए एनकाउंटर इन्होंने लगातार चला रखे हैं, तो कहाँ की कानून व्यवस्था सही है? क्या फ़र्क पड़ रहा है? पुलिस प्रशासन कहाँ पे है? प्रशासन का डर कहाँ पर है जो सरेआम गुंडागर्दी हो रही है? तो कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ठीक नहीं है, और आदमी, और विशेषकर जैसे बहुजन समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये टारगेट करके इन पे हमले किए जा रहे हैं, इनको मारा जा रहा है। सर मोहन भागवत जी कहते हैं कि मैं 3 दिन के अंदर यहाँ फोर्स इकट्ठी कर दूंगा, और ये 3 दिन का मतलब क्या है सर इनका? अगर वो मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि 3 दिन में हमें मौका मिले और हमें आदेश दिया जाए तो हमारी आरएसएस की सेना जो है वो 3 दिन में तैयार हो जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि कहीं आरएसएस के लोग, ये हिंदू वाहनी के जो लोग हैं, ये धर्म के नाम पे दंगा फैलाने वाले जो लोग हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। और सरकार को, मैं समझता हूँ कि ईमानदार अगर सरकार है, सही अगर सरकार है, तो इसकी जाँच करवानी चाहिए। 3 दिन में सेना बनाने का मतलब यह है कि बाकायदा उनके पास हथियारों का जखीरा है, बाकायदा उनके पास सभी तरह के वो हथियार हैं जिनसे वो देश में दंगा कर सकते हैं, कत्लेआम कर सकते हैं। इससे ज्यादा सरकार को और क्या चाहिए? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को इस पर तुरंत जो है एक्शन लेना चाहिए, पर लेंगे कैसे? क्योंकि आरएसएस की और बीजेपी की तो सरकार है, चाहे केंद्र में हो सरकार, चाहे राज्य में हो सरकार, 19 राज्यों में इनकी सरकार है, तो गुंडे पाले जा रहे हैं। इसका तो सीधा सीधा यही मतलब है, भाई तुम्हें सेना बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है जब देश में सेना है, बाकायदा वायुसेना है, थल सेना है, नौसेना है, साथ साथ पुलिस है और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, अर्धसैनिक बल हैं, सारा सब कुछ है, तो आरएसएस को सेना बनाने की क्या जरूरत है? आरएसएस को सेना अगर ये कह रही है 3 दिन में कर देंगे तो बहुत गंभीर समस्या है, और ये सेना जो है इनकी सिर्फ और सिर्फ दलित और मुस्लिमों के खिलाफ ही इस्तेमाल होगी, तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, अन्यथा अगर हालात गंभीर हुए तो देश की स्थिति बिगड़ सकती है। सर क्या इनको जो अपने यहाँ की आपने गिनाया थल सेना, वायु सेना, और जो इन पे इनका विश्वास नहीं है और अपनी सेना लाके खड़ी करना चाहते हैं? नहीं, ये तो साफ जाहिर है कि उन्हें विश्वास नहीं उस पर, या कुछ और करना चाहते हैं, और ये पहले ही कह चुके हैं, जब इनका मंत्री कहता है कि संविधान को बदलने के लिए आए हैं, तो ये सारी प्लानिंग कर रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से भगवा राज, गुंडा राज, आरएसएस का राज इस देश में कायम किया जाए, ये सारी प्लानिंग इनकी ये है। सर ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजी ने जो बात कही थी कि हमारा जो भारतवर्ष है, भारत देश है, और ये खतरे में है इस समय, तो इसका मतलब ये हकीकत की बात होती है? निश्चित रूप से हकीकत है। अगर चीफ जस्टिस उनकी बात नहीं सुनने और उन्हें कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ सही नहीं चल रहा, और फिर साथ में अब कुछ दिनों बाद ये बयान आता है कि आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि हम 3 दिन में सेना खड़ी कर देंगे, तो ये सारी की सारी स्थितियाँ बड़ी गंभीर स्थिति हैं, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को आके कहना पड़ा। लेकिन उसका हुआ क्या है? सारे राजनीतिक पार्टियां चुप हैं उस पर, पूरा मीडिया चुप है उस पर, कहीं कोई आवाज़ नहीं उठ रही। इतनी बड़ी बात एक सामने आई सुप्रीम कोर्ट के विषय में, 4 सीनियर जजेस ने बात कही, लेकिन सारा मीडिया शांत है, उस मामले को पूरी तरह से दबा दिया गया, और उसके बाद लीपापोती करने के लिए, जैसे आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जो रोस्टर है उस रोस्टर को चेंज कर दिया गया, रोस्टर बताया गया, रोस्टर पहली बार बताया गया, वरना सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का कोई रोस्टर कभी बताया नहीं जाता, वो सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। लेकिन उसे भी अगर आप ईमानदारी से देखें तो उसमें चीफ जस्टिस ने जितने जो हैं PIL हैं वो अपने पास रखी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है उसके हेड वो खुद हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर हैं वो सारे के सारे चीफ के पास रहेंगे। और चीफ किन के आदमी हैं? स्वाभाविक है, जो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं वो गवर्नमेंट के आदमी हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के आदमी हैं, तो ये सारा का सारा गठजोड़ है। और पहली बार इतनी खतरनाक स्थिति आई है कि न केवल व्यवस्थापिका, साथ में
जो आपकी कार्यपालिका है और न्यायपालिका है और साथ में प्रेस और इनके साथ में बड़े बड़े उद्योगपति ब्राह्मणवाद पूरा का पूरा इकट्ठा हो गया है देश के लिए, इससे खतरनाक स्थिति नहीं हो सकती। सर, सभी पार्टी के नेता और सभी पार्टी के जो संस्था चला रहे हैं वो इस तरीके की बातें उठा रहे हैं, लेकिन सर सब मिलकर एक बात इसको क्यों नहीं लागू करवाते कि भाई हमें सबको एक होना है, नहीं तो एक एक करके चाहे मुस्लिम है, दलित है, बहुजन है, सब लोग एक दायरे में आ रहे हैं। देखिए, अगर उनमें इतनी समझ होती और वाकई में वो देश की जनता के प्रति वफादार होते, जिम्मेदार होते, उत्तरदायित्व उनका जनता के प्रति है और उसे वो समझते तो सारे लोग इकट्ठे होते। आज आप देख क्या रहे हैं, जो 11,500 करोड़ का घोटाला अभी देखा है पीएनबी का, उसमें दोनों एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि 2011 से शुरू हुआ कांग्रेस के जमाने से, और कांग्रेस कह रही है कि इनके राज में है, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये सारे के सारे जनता को कैसे लूटा जाए, मारा जाए, सिर्फ उसमें शामिल हैं। जिस दिन ये ईमानदारी से जनता की आवाज़ उठाएंगे, उसके प्रति जिम्मेदार होंगे, उत्तरदायित्व अपना निभाएंगे, उस दिन स्थिति कुछ और होगी। और अगर ये नहीं समझते तो जनता को समझना पड़ेगा कि इनको उखाड़ के बाहर फेंका जाए और अच्छे लोगों को राजनीति में स्थापित किया जाए। सर, अभी बैंक की बात करी तो मोदी जी ने तो पहले बोला है कि हम तो ये कैशलेस करेंगे और डिजिटल इंडिया बनाएंगे। हो गया ना कैशलेस भाई, 11,500 करोड़ एक आदमी लेके भाग गया, 9,000 करोड़ लेके विजय माल्य भेजा बैठा है, 1,25,000 करोड़ ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनमें अंबानी है, अडानी है, इन सबके माफ कर दिए, बैंकों का एनपीए 9,00,000 करोड़ हो गया कैशलेस। कैशलेस में कैसी नहीं है, खत्म कहानी, और क्या होना है, इससे बड़ी लूट और क्या होगी। कैशलेस का मतलब डिजिटल इंडिया नहीं है, ये सिर्फ सपना है। कैशलेस का मतलब है कैसी मत छोड़ो इस देश, सारे के सारे लुटे रहे हैं, सब लेके भाग रहे हैं सारे कैश को, ये है कैशलेस इंडिया। धन्यवाद सर, हमारे बीच।